हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, प्लीज वेट। हेलो एवरीवन, दीदी। एबल टू सी? हाय हाय स्वागतिका, हाउ आर यू? लेट हेलो मी दीदी, मूव आई एम माय कंप्लीटली कैमरा। फाइन। अच्छे हो? अभी को यस मैं मेरे इसको थोड़ा पोर्ट्रेट कर देती हूँ, इसमें हाफ हाफ आ रहा है। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू ऑल। अभी तो लैंडस्केप में है शायद। नहीं, मेरे यहाँ पे तो शो कर रहा है, देखो दोबारा चेक करती हूँ। मतलब वैसे ऐसे करके रख रहा है या ऐसे करके रख रहा है वो बोलिए मेरे को। अच्छा लैंडस्केप रख लो, तुमको जैसे लगता है अच्छा रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई गेस कि ऐसे रखने से ठीक होगा क्योंकि ऐसे फिर सबको घुमाना पड़ेगा फोन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधा रख लेती हूँ अभी। ठीक है, हाँ हाँ दी अभी अभी ठीक फेस आ रहा है? है। हाँ, जी क्लियर आ रहा है, बोलिए। ओके। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हु ऑल आर इन लाइन? नीतू, सुभाष, ओके, ऑल ऑफ यू हियर। सो टुडे व्हाई वी आर हियर, एक्चुअली आप लोग सब अभी कैसे हो? कोविड का हालत चल रहा है, इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीवन, बी सेफ, डोंट गो आउट इफ अंटिल इट इज नॉट इमरजेंसी, वॉश योर हैंड, वेयर मास्क। सो दिस इज वाज टुडेस लाइक हियर। सो टुडे हियर विथ अ फास्ट गेस्ट स्पीकर इन यूनिक स्पीक, स्वागतिका आचार्य। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम? आई थिंक मेनी ऑफ यू फ्रॉम उड़ीसा, दोज यू पीपल दे नो हिम, उड़ीसा से जो है उन लोगों को पता होगा शायद। सो स्वागतिका, यू नो इज ओनली 22 ईयर, राइट स्वागतिका? हाँ दीदी, ट्वेंटी यस। टू क्लास मतलब। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एंड स्वागतिका जो है बहुत बोल्ड एंड एनर्जेटिक लेडी है। आई यूज टू गो एवरी डे इज फेसबुक लाइव वीडियो, आई सी हाउ द टीनी गर्ल इज एबल टू मीन वॉच एंड टेल टू ऑल। आई एम जस्ट वंडरिंग, स्टिल आई एम फियरिंग इट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम गोइंग बिफोर लाइव। सो वी आर इन लाइव इन यूनिक ग्रुप, यूनिक स्पीक्स ग्रुप एज वेल एज फेसबुक, स्वागतिका हियर। So before starting, I just want to give a small introduction, then Sagatika will give you the introduction. Actually, Sagatika is a cancer fighter, I could say, and other youngsters. And okay, Sagatika, I'm handing over. You just tell your introduction, tell to everyone. So my name You is can speak Swagatika in Hindi or Acharya. I am a English. cancer fighter. Yes. Okay. So my name is Swagatika Acharya. I am a cancer fighter. I was diagnosed with ओके, cancer when I was only 19, and it was all of a sudden. मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मेरे को कैंसर होगा, लेकिन ओके, जो होना होता है वो हो जाता है। एंड आई बिलीव दैट व्हाट एवर हैपेंस इन अवर लाइफ इज ऑलवेज फॉर अ गुड कॉज। एंड मे बी यस, कैंसर मेरे को हुआ है उसके पीछे कुछ तो अच्छा रीजन होगा। एंड लेटर आई रियलाइज दैट या देर वॉज अ गुड रीजन, एंड गॉड वॉन्टेड मी टू वर्क फॉर अदर कैंसर फाइटर्स हु आर नॉट एबल टू कम यस आउट एंड गेट सपोर्ट, गेट स्ट्रेंथ टू फाइट देयर जर्नी। एंड आई एम अ लॉ स्टूडेंट, I'm pursuing, I'm in my law final years, गुड, and I am Odissi dancer, यू आर, या यू आर and प्रोफेशनल ओडिसी this is all डांसर, me. Now though या I'm in a break, एक्चुअली but ओके, नो एक्चुअली स्वागतिका, आई मीन मैं सबको बताना चाहती हूँ,
कि 19 ईयर ओल्ड जो होता है, इवन व्हेन आई एम इन 19 ईयर ओल्ड, आई डोंट नो व्हाट इज लाइक इफ कैंसर इज कमिंग टू मी और दैट टाइम आई कैन कुड हैव दैट मच अ पॉजिटिव स्ट्रांगनेस इन मी, देन हाउ आर दैट मच, आई मीन आप कैसे इतना पॉजिटिव और स्ट्रांगनेस आपके पास आया सडनली? दैट टू भी आई मैंने आपका फेसबुक लाइव वीडियो में देखी थी, जब आपने टेस्ट पहले जो डॉक्टर का जो आया था क्या उसको बोलते टेस्ट रिपोर्ट, आपने पहले ओपन करके अपना फैमिली को हाँ बताए हाँ थे, तो वो एक्सपीरियंस दी कैसे था? लाइक मेरे को जब कैंसर हुआ था, मेरे को मैं बोली ना ऑल ऑफ अ सडन सारा कुछ हो गया, तो मेरे को कभी पता यस नहीं था। और जब शुरुआत हुआ था तो सबको यहाँ पे लग रहा था कि वो ग्लैंड ट्यूबरक्लोरोसिस है, कैंसर नहीं है। तो जब मैंने रिपोर्ट ओके देखा मैं नॉर्मल थी, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोची थी कि अरे मेरे को कैंसर हो गया। नो, आई वाज ऑल नॉर्मल कि हाँ मेरे को कैंसर हुआ है, मैं ट्रीटमेंट लूंगी, ठीक होगी। और एक चीज था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है मेरे को कैंसर हुआ है, अभी तो मैं ओके कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं क्वेश्चन करती, आई कीप ऑन क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मेरे को क्यों हुआ, मेरे को क्यों हुआ, तो शायद मेरे में वो हिम्मत नहीं आता कि मैं हाँ उसको लड़ नेगेटिव पाती। इम्पैक्ट होता है. हाँ आपके तरफ से मेरे वॉइस को ब्रेक हो रहा है स्वागत का. हेलो आया अभी दीदी आया, अभी क्लियर? बोलो अभी. हाँ, तो हाँ अगर क्लियर मैं आया, ये बोलो. सोचती कि मेरे को क्यों हुआ, अभी क्या करूंगी, तो शायद मैं ओवरकम नहीं कर पाती। मैंने व्हाई मी सोचने की जगह आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ व्हाट शुड वी डू द नेक्स्ट सो दैट आई गेट आउट ऑफ दिस कैंसर। एंड दैट इज वेर आई स्टार्टेड गेटिंग पॉजिटिव, एंड दैट इज वेर आई स्टार्टेड गेटिंग माई ट्रीटमेंट डन, एंड नाउ आई एम फाइन। या दैट्स वेल दैट गॉड ग्रेस यू आर फाइन. नो मेरे को बताना कि आपको इतना स्ट्रेंथ पॉजिटिव मींस कहाँ से मिला? कोई है जो आपको इंस्पायर अच्छा पर्सन है उसके पीछे? आदि, वैसे तो लाइक मेरे इंस्पिरेशन, मेरे मोटिवेशन, मेरे स्ट्रेंथ के पीछे बहुत लंबा लिस्ट है। अभी नाम लेना शुरू करूंगी तो वो खत्म नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट इज वेर माय पेरेंट्स। अगर मेरे को घर में मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट, क्योंकि अभी मैं जो कैंसर पेशेंट्स लोगों के लिए काम करती हूँ, तो आई फाइंड मेनी पीपल जिनका घर में से सपोर्ट नहीं होता उनको ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे को सपोर्ट मेरे मम्मी पापा में से बहुत, वो लोगों ने मेरे साथ पूरा खड़े रहे वो लोग, एंड माय फैमिली स्टूड विथ मी। अदर देन दैट माय डॉक्टर्स, ओके माय फादर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड मोदी अंकल, ही वाज लाइक कुछ नहीं होगा, यू विल ओवरकम आउट ऑफ दिस। माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स एंड एवरीबडी अराउंड मी, एवरीबडी वर सो सपोर्टिव अराउंड मी। तो मेरे को एक स्ट्रेंथ मिला कि मैं ये जर्नी अकेले नहीं लड़ रही हूँ, मेरे साथ एक बहुत ताक लोग जा हैं जो रहे. कि मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। एंड अदर देन दैट लाइक जब मेरे को कभी, क्योंकि इमोशन सबके अंदर होता है, एंड जब मेरे को गंदा लगता था ना कि अरे यार कब ये ट्रीटमेंट खत्म होगा, कब मैं फिर से यस नॉर्मल होंगी एंड ऑल, तो नॉर्मल पापा होंगे. क्या करते थे ना, मेरे को वेरियस एग्जांपल्स देते थे। जैसे कि पापा बोलते थे कि, मैं भी सबको बोलती हूँ कि जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी के, मतलब आर्मी लोग जो होते हैं बॉर्डर में, उन लोगों को गोलियां लगती है लेकिन वो वैसे ही खड़े रह के हमारा सुरक्षा करते हैं, तो उनका दर्द मेरे सामने बहुत ज्यादा है फिर भी वो लड़ते हैं। और फिर पापा बोलते, पापा एक चीज मेरे को बोलते हैं कि हमेशा याद रखना कि दुनिया में जितना गम है तेरा गम उससे बहुत कम है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट थिंक कि अरे यार मेरा तो इतना सा ही है, मेरे से तो बहुत लंबा लंबा बहुत बड़ा बड़ा दर्द है लोगों के पास, तो वो सब जो चीज है वो मेरे को बहुत पॉजिटिविटी देता था, बहुत स्ट्रेंथ देता था। और मैं क्या करती थी ना, आई नेवर फोकस्ड ऑन कि मेरे को कैंसर हुआ है। एवरी टाइम आई यूज्ड टू फोकस ऑन मेरे को ये करना है, मेरे को कैंसर के बाद नहीं वो वो करना करना है, है. मेरे को यहाँ जाना है, तो वो सब चीज में मैं इतना बिजी रह जाती थी कि मेरे को कैंसर हुआ है सोचने का टाइम नहीं मिलता था। मैंने आपका लाइव वीडियो देखा था जो 2 ईयर कंप्लीट हाँ हुआ था आपका, उसमें हाँ आपने हाँ हाँ एक स्टोरी बोले थे, मुझे याद है. आपने कहीं पे गए थे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, पास में कोई हाँ एक हाँ अंकल थे जो आपको बोले अंकल कि बैठे थे क्यों? अरे यार आपने क्यों इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कुछ कैंसर क्योर नहीं होगा, और आपने क्योर उसका नहीं एक होगा? एग्जांपल हाँ हाँ नोट में लिख के दिए थे, बिकॉज उस टाइम पे बोल हाँ नहीं पा हाँ रहे थे, वो बोल नहीं पा रही थोड़ा थी मैं। बताइए. हाँ वो हाँ बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा वो बहुत. अच्छा, तो वो क्या हुआ था, तब मेरा रेडिएशन चल रहा था, तो जब मेरे को रेडिएशन पड़ा, मेरे ये पार्ट में डाला गया था रेडिएशन, फॉर विच क्या हुआ था ना, आई लॉस्ट माई वॉइस फॉर कंप्लीट 4 मंथ्स। आई वॉज स्पीचलेस, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, मैं कुछ खाना नहीं खा पा रही थी, ओनली
कंप्लीट लिक्विड डाइट में थी। तो रेडिएशन क्या होता है ना, वीकली 5 डेज डाला जाता है और सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। तो जब रेडिएशन डाला गया मेरे ऊपर, तो स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड लूजिंग माई वॉइस। तो हम लोग क्या करते थे ना, सुबह सुबह जाते थे रेडिएशन लेने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ था, मैं बैठी थी, वो अंकल आए, मेरे पास कोई अच्छा आदमी नहीं बैठा था, लाइक जो नॉर्मल थे, मेरे पास आइदर कोई पेशेंट बैठेगा या फिर कोई वही हॉस्पिटल का कोई अगर लाइक इंचार्ज होता है जो आते हैं ना देखने के पीपल लिए, वो आके सोच लेते बैठेंगे। हैं तो हाँ अल्टीमेटली कि नहीं बैठते कैंसर हैं। कंटेजिनियस है और उनको हो जाएगा, मेरे से उनको कुछ यस इधर उधर हो जाएगा। तो वो अंकल आके पापा को पूछने लगे कि लड़की को क्या हुआ है, तो पापा बताए, तो वो बोलने लगे कि कैंसर हुआ है, आप क्यों फालतू का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप इसको आयुर्वेदिक वायुर्वेदिक का कुछ ट्रीटमेंट करवा लीजिए, कैंसर तो क्योर होने वाला नहीं है, वो मर जाएगी, आपका पैसा फालतू का, ऐसा ऐसा करके बहुत नेगेटिव बोलने लगे। तो मेरे को ना बहुत गुस्सा आया कि यार क्या है, इनका सोच ऐसा गंदा कैसे हो सकता है। तो मैं तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मैं लिखने लगी कि मैं वहां उनको ये लिख के बोली कि जैसे आपको सर्दी होता है, जैसे आपको जुकाम होता है, कैंसर वैसे ही आपको होता है। एंड अभी मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो पाता है इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली या तुमने एक एंड थर्ड एक्सीडेंट का स्टेज। एग्जांपल दिए थे, लाइक इफ यू हाँ गोइंग टू द रोड। लाइक हाँ, अगर मतलब कैंसर तो आपको टाइम देता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, लेकिन यस जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ रोड एंड यू फेस अ एक्सीडेंट एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका डेथ हो जाता है, तो वहां पे आपके पास टाइम ही नहीं रहता टाइम ही फैमिली को नहीं कुछ है। बोलने के लिए। हाँ मतलब कुछ अनकही बातें दिल में रह जाती है जो आपके फैमिली लोग आपको नहीं बोल पाते और आप अपनी फैमिली लोगों को बोल नहीं पाते, या फिर सोच लीजिए आपको ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक हो गया, तो उस केस में भी वही होता है। सो आप जाते हुए कहीं पे या फिर सोए हुए रहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक हो गया, तो ये तो उससे फार बेटर है, आपको एटलीस्ट टाइम तो मिलता है। सो नो डिजीजेस लाइक, वो हमारा सोच होता है जो हमको छोटा करता है। यस यस अगर हम यस दिल से ये रहता है कि नहीं हमको जीना है, तो हमको जीने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं एक चीज बोलती हूँ कि जिंदगी मतलब क्या, द लेंथ ऑफ लाइफ शुडंट बी मोर, द स्पेंडिंग द लाइफ शुड बी मोर। लाइक हमको ना एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में फोकस करना चाहिए रादर देन अ क्वांटिटी ऑफ लाइफ। हम लोग क्या करते हैं ना, हम मेरे को 100 साल जीना है, मेरे को 60 मतलब 7 बरस तक जीना है, आई वॉन्ट टू लिव 110 ईयर्स, वो नहीं है। मैं 50 साल भी जीऊँ लेकिन मैं एक क्वालिटी वाला अच्छे लाइफ से जीऊँ, जियो, मैं हंस मर के जियो। यस लाइक व्हेन आई डाई पीपल शुड रिमेम्बर मी फॉर हु आई एम। स्वागत का आचार्य एक लड़की थी जो ऐसे 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 करके गए, जैसे कि काम। महात्मा गांधी देख लीजिए, सुभाष बोस देख लीजिए, अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए। तो यस आई वॉन्ट यस लाइक वेर एवर आई गो आई स्पीक ऑन दैट पॉइंट ओनली। यस मैंने भी देखा हूँ बहुत सारा लाइफ में फेजेस में कुछ अगर बुरा चीज होता है, लोग तो मतलब उस बारे में बोलने लगता है, और उसे कैसे ओवरकम करेंगे उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। ठीक कोई नहीं है, बोलता। हाँ आपको कभी नहीं लगा कि ये जो कैंसर का जर्नी है उसमें आप हार जाएंगे, कि यू लूज योर बैटल इन इन बिटवीन, कभी ऐसे फियर नहीं आया? तो अपना बहुत देखिए लोग दी, डर जाते हैं कैंसर का हाँ नाम हाँ सुन के। सी, जहां पे पॉजिटिविटी होता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दे वॉक साइड बाय साइड। आपको डिसाइड करना होता है, आपको पॉजिटिविटी चूज करना है करेक्ट या आपको नेगेटिविटी चूज करना है। एंड स्टार्टिंग से मैं ये नहीं सोची थी कि मेरे को कैंसर हुआ है, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हु हैव सर्वाइव्ड कैंसर। ओके, यस तो यस मैं ये सोची थी कि ठीक है कैंसर ही हुआ है, मैं ट्रीटमेंट लूंगी ठीक हो जाऊंगी। तो ये मेरे दिमाग में कभी नहीं, क्योंकि मैं जब टाटा भी गई थी वहां पे भी मेरे को डॉक्टर ने ये बोला था कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैंसर को कैसे फाइट करते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी, आपको अभी जुकाम होगा या फिर फीवर होगा, अगर आप बेड में पड़े रहेंगे और ये सोचेंगे कि अरे मेरे को फीवर हो गया, आज मैं दिन भर कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे को घर में ही स्वागत सोना है। का। अभी तो हाँ फीवर और कोल्ड भी होते हैं, बोल देते हैं मुंह पे भी तुमको भाई कोरोना हुआ है, कुछ सोचते भी नहीं है लोग। नहीं मतलब अगर होता है, अगर आप घर में लेटे हुए रहते हैं तो आपको एक मतलब एनर्जी नहीं आता काम करने के लिए, लेकिन आप अगर फीवर होता है, आप काम में फोकस करते हो और फीवर में कम फोकस करते हो, तो यू गेट अ पॉजिटिव एनर्जी टू वर्क द होल डे। यस तो ये आपके ऊपर रहता है। और मेरा ये था कि नहीं मेरे को जीतना है और मैं जीतूंगी, मैं उन लोगों को मदद करूंगी जो लोग सोचते हैं कि कैंसर से वो जीत नहीं यस पाएंगे। तो वो एक चीज था जो मेरे को कैंसर को ओवरकम करने में बहुत मतलब हेल्प किया मेरे को। यस
आप कुछ कैंसर सर्वाइवर्स जो है उनको कुछ बताना चाहेंगे, लाइक कैसे आप टाइम स्पेंड करेंगे उस जर्नी में ताकि उनके लिए इतना डिफिकल्ट ना हो? यस इट इज डिफिकल्ट बट यू विल फेल बाय हार्ट दैट इट विल बी नॉट डिफिकल्ट. आपका एक्सपीरियंस से कुछ बताएंगे? दी देखिए, मेरे को जब कैंसर हुआ तो मैं कभी ये मैं बोली ना, मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरे को कैंसर होगा, लेकिन मेरे को हुआ. ठीक है, तो फिर कुछ भी होता है, खाली कैंसर का बात नहीं है, कैंसर से भी बढ़कर लोगों की जिंदगी में बहुत सारे कठिनाइयां आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है. तो जब हम फोकस करते हैं कि मेरे को क्यों हुआ, तो हमको आंसर नहीं मिलता, हमको वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता. लेकिन अगर हम ये फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम तो हो गया, अभी मेरे को ठीक होना है, अभी मेरे को ये प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ओवरकम करने का सोचते हैं, तभी हमको सलूशन आता है. तो कैंसर हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर हम इस पे फोकस करते हैं कि नहीं हम इसको ओवरकम करेंगे, कैंसर हुआ है ठीक है, देखिए हमको सोचने से हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा. हम अगर सोचेंगे कि अरे कैंसर हो गया है, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो हम ठीक नहीं होंगे. वो चीज डॉक्टर का पार्ट है, डॉक्टर को सोचना है कि क्या ट्रीटमेंट देने से मेरा पेशेंट ठीक होगा, मेरा पेशेंट को कितना मेडिसिन चाहिए, कितना डोजेस केमो चाहिए, वो डॉक्टर का सोच है. तो उसको हमको यस डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए और हमको फोकस करना चाहिए कि मैं मेडिसिन कितने टाइम से लूंगा, डॉक्टर जो बोलेंगे मैं उसको पेशेंसली मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा और मैं पॉजिटिव रहूंगा कि नहीं मेरे को ठीक होना है. भाई कैंसर, तू डर जा मेरे से, तू भागने के लिए शुरू हो जा, मेरे को ठीक होना है. एंड आप हर दिन, मैं बहुत सारे लाइक पॉजिटिव लोगों का जो मोटिवेटर्स होता है, मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ और सब लोग एक चीज बोलते हैं कि अगर आप एवरीडे बोलते हैं कि आई एम फाइन, आई विल बी फाइन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव, देखना पॉजिटिविटी आपके पीछे 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 दौड़ता रहता है एंड यू गेट अ सोल्यूशन. लेकिन अगर आप ये बोलोगे अरे यार इतना प्रॉब्लम हो गया, गया आज तो मैं ये सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, मैं तो फेल होगी एग्जाम में, मैं तो मर जाऊंगी कैंसर से, देखना आपको नेगेटिविटी ही आता जाएगा. सो इट इज लाइक ऑल अबाउट वी एंड अवर थॉट. एंड अगर आप पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं मेरे को जीतना है, आई अश्योर यू दैट यू विल विन इट अगेंस्ट कैंसर, क्योंकि यस मैं मैंने फील की एक्सपीरियंस. हूँ हाँ कि कुछ मतलब कैंसर हो कि कोई डिफरेंट इश्यूज है, उसमें फैमिली को छोड़ के मोस्ट प्रोबेबली 90% जो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं सोसाइटी लोग रहते हैं, वो क्योर सोसाइटी, होने से हाँ पहले उसको ऐसे मतलब बात बढ़ा लेते, एक को जेड बढ़ा बना लेते लेते हैं. हैं, हाँ 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 ताकि जो इंसान खुद विक्टिम है उसका माइंड भी लाइक डिप्रेशन टाइप हो जाता है. सो डिप्रेशन हो मेन जाता है, थिंग करेक्ट. पॉजिटिवनेस एंड बी बोल्ड एंड स्ट्रांग, राइट? यस, दूसरों का बात हमको सुनना नहीं है, हमको बस डॉक्टर का बात ही सुनना है, क्योंकि ही इज द वन जो हमको क्योर करेगा. मेरे को तो बहुत लोग बहुत सारे बातें बोले, अगर मैं आज उनका बात सुनी होती शायद आज मैं आपके साथ बैठी नहीं होती. नहीं तो होंगे. वो यस चीज हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. या ऐसे कुछ बिगेस्ट चैलेंज आया आपको ये 2 ईयर जर्नी में कैंसर टोटल, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम हॉस्पिटल फैसिलिटी, कुछ बिगेस्ट चैलेंज आया जो आपने बताना चाहते हैं सोसाइटी को, यहाँ पे पब्लिक को? दीदी देखिए, लाइक मैं बोली ना, कैंसर हो या लाइफ का कुछ भी प्रॉब्लम हो, चैलेंजेस मेक्स इट लाइक विदाउट चैलेंजेस मेरे को ये लगता है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो जाता है, मतलब कुछ मजा नहीं आता. लेकिन जब चैलेंजेस आता है तो अपने अंदर एक जुनून आता है कि नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को इसको सॉल्व करना है. तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, ऐसा नहीं कि यू चुटकी मारी मैं और ऐसे ही खत्म हो गया, हाँ ऐसा नहीं था. जब मैं टाटा मेमोरियल गई थी, मैं पूरा मतलब पापा और मैं पूरा नए थे वहां पे, हमको कुछ पता नहीं था. तो वहां पे मतलब कहाँ पे क्या होगा कैसे होगा उसको फेस करना पड़ा था हमको. फिर मैं बोली थी अपने लाइव वीडियो में कि हमको बीच में क्या हुआ था, हम जिस गुरुद्वारा में रुके थे वहां से हमको निकाला, मतलब निकाल धक्के दिया मार के गया निकाला गया था, मैं ये बोलूंगी. वो भी शाम के 6 बजे, 5-6 बजे, जब मुंबई में. मतलब शाम, हाँ शाम हो गया था. और मुंबई जैसे सिटी जहाँ पे एक होटल मिलना भी बहुत लाइक प्रॉब्लम हो जाता यस है, ऑल ऑफ अ सडन निकाला गया था. फिर बीच बीच में ऐसा हुआ था कि लाइक जब मेरा रेडिएशन और केमो एक साथ चल रहा था, तो क्या होता है ना, बॉडी में वेरियस चेंजेस आते थे. तो मेरे को क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजों से एलर्जी हो जाता था, और रेडिएशन के टाइम तो मैं स्पीचलेस हो गई थी. तो जब मैं केमो लेने जाती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि जब केमो के पहले जो प्री मेडिकेशन होता था वो जब चालू होता था, ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्ट गेटिंग ब्रीथलेस, मतलब मैं बोल नहीं पाती थी, बस लिखती रहूंगी कि मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं सांस ले
ले पा रही हूँ, कुछ कीजिए, ऐसा लिखूंगी और धीरे धीरे सेंसलेस होना शुरू हो जाओगे। फिर डॉक्टर भाग के आएंगे मेरे, लाइक आई विल से दैट मेरे डॉक्टर्स मेरे साथ इतने कोऑपरेट किए थे, लाइक आज अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। लाइक वो भाग के आएंगे, फिर वो लाइक ऑल ऑफ अ सडन चेक करेंगे, इंजेक्शन देंगे, तो चैलेंजेस तो बहुत आए थे। मतलब चैलेंजेस क्या क्या कहूँ मैं, चैलेंजेस का भंडार आ गया था थ्रू आउट द जर्नी में। लेकिन कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस ने मेरे को स्ट्रांग होना सिखाया, वो चैलेंजेस ने मेरे को जिंदगी ढंग से जीना सिखाया, और वो चैलेंजेस ने मेरे को इतना स्ट्रांग कर दिया कि अभी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी चीज आता है, वो मेरे को छोटा लगता है कि नहीं अरे यार कैंसर को ओवरकम कर लिया, अभी ये क्या है, मैं ओवरकम कर लूंगी। तो लाइक चैलेंजेस मेक्स लाइफ लाइक व्हाट क्रिस्प बेटर सक्सेस. एंड बेटर टू लिव। क्योंकि देखिए अगर लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, आप ऊपर जाएंगे तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे। रहेंगे अगर वही रहेंगे. प्रॉब्लम नहीं होगा ना, आपको लाइफ का वैल्यू ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर सैडनेस नहीं होता, हमको हैप्पीनेस का मतलब पता नहीं चलता। सैडनेस होता है, इसीलिए हम हैप्पीनेस को रियलाइज करते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। या मुझे एक बात याद आती है एपीजे अब्दुल कलाम का, इफ देयर इज नो स्ट्रगल इन योर पाथ ऑफ सक्सेस द लाइफ इज बिकम टेस्टलेस. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट मैंने आपको लाइव करेक्ट वीडियो से एक दिखा था जो मुझे याद है. हाँ, अपने पूरा जो कैंसर का जर्नी है, जो पी जब के रेडिएशन केमो लेते थे तभी विदाउट हाँ हाँ नाजल हाँ फीडिंग कंप्लीट किए हैं, जो कि पॉसिबल हाँ नहीं होता है. हाँ 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 इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज है लाइक युवराज सिंह, अदर बहुत सारे जो क्या सोनाली जो क्योर हुए हैं विदाउट नाजल फीडिंग में वो कंप्लीट नहीं है. बट यू डिड इट वेल. बट हाउ इट इज, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. दी लाइक वो तो क्रेडिट जाएगा मेरे डॉक्टर, लाइक डॉक्टर कितीश चंद्र मिश्रा, मैं पूरा क्रेडिट उनको दूंगी। क्योंकि रेडिएशन का पार्ट मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि केमो टाइम में मेरे को इतना इश्यूज नहीं आया था, क्योंकि लेकिन रेडिएशन के टाइम में मेरा वॉइस चला गया। एंड मैं एक बहुत बड़ी फूड लवर हूँ, मेरे को खाना बहुत पसंद है, मतलब कुछ भी दो मैं खा लूंगी। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा कंप्लीट खाना बंद हो गया था। लाइक मैं एक ग्लास बार्ली लेती थी, जो छोटे बच्चे मतलब लेते हैं जब बेबी होते हैं, फिर एक ग्लास राइस स्टार्च लेती थी, और एक ग्लास पानी, मतलब ये तीन चीज ही मैं पूरी दिन भर खा के रहती थी। तो जब धीरे 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 खाना बंद हो गया, और मेरे को निगलने में बहुत प्रॉब्लम होता था, लाइक एक ग्लास पानी निगलने के लिए मेरे को पूरा मुंह लाइक पे कुछ हो एक गया था घंटा आपका. मैंने लगता था। हाँ पूरा माउथ मेरा फुल ऑफ अल्सर्स हो गया था, मैं बात नहीं अल्सर्स कर हो पा गया रही था. थी। हाँ तो मेरे को खिति से स्टार्टिंग से बोलते थे कि यू आर अ स्ट्रांग गर्ल, यू आर अ स्ट्रांग वुमेन, और तू करके रहेगी। मेरे को पूरा विश्वास है कि तू करके रहेगी। यू तो कैन डू मैं इट. कहीं ना कहीं, हाँ मेरे को ये लगता था कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर, क्या बड़ा बात है, मैं कर लूंगी। लेकिन जब दिन बढ़ता गया और इश्यूज आते गए, और क्या होता था ना, जब मेरा रेडिएशन चल रहा था, मेरे को स्टिकी स्टिकी लिक्विड आता था। वो रेडिएशन के लाइक डेड सेल्स जो थे वो मुंह के थ्रू आते थे, ठीक है, अंदर और हाँ अंदर से बाहर आते थे, जैसे वोमिट होता है ना वैसे आते थे। या आई तो गॉट वो इट, आई पूरा गॉट स्टिकी इट. स्टिकी थे और वो निकलता नहीं था। लाइक कभी कभी मम्मी और मेरे पापा लाइक ग्लोव्स पहन के पूरा मुंह से उसको निकालना पड़ता था, ठीक है, वेरी मतलब पेनफुल. या पेनफुल तो मैं नो, कहूंगी बहुत। तुम जैसे बता रहे हो यहां से मुझे फील हो रहा है लाइक वेरी पेनफुल, बट तुम हंस के उड़ा दे रहे हो कि बहुत इजी था. दैट्स ग्रेट. नहीं, मैं बोली ना वो फेज ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो जब मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, और जब मेरे को लगता था कि अरे यार नहीं मैं नेजल फिटिंग ले लूंगी, ऐसा नहीं था कि मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं पूरा विदाउट नेजल फिटिंग कंप्लीट कर लूंगी। मेरे को लगता था कि मेरे को ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को भूख होता था और मैं खा नहीं पाती थी। और वो सबसे लाइक बहुत टफ फेज था कि आपको भूख होता रहेगा और आपको खा नहीं खा नहीं पाएंगे। पाएंगे. दैट टू बी ए फूड लवर. या फूड लवर। और एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरे को सलाइन लगाया गया, क्योंकि मेरा बॉडी इतना वीक हो गया था वीक विदाउट हो फूड गया कि मैं था. चल भी नहीं पा रही थी। हाँ तो एक दिन क्या हुआ ना, रात को मैं बहुत 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 मतलब इमोशनल हो गई। और मेरे को क्या होता था ना, पापा मम्मी एवरी टाइम बोलते थे तू नेजल फीडिंग ले ले, तू नेजल फीडिंग ले ले। हाँ बट लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं थोड़ा मोटिवेट हो गई कि नहीं छोड़ो, पापा मम्मी भी बोल रहे हैं, मैं ले लेती हूँ। लेकिन जब सुबह मैं गई सर के पास और बोली कि डॉक्टर के सर हम पास. यस मतलब लिख के बोली कि आई वांट टू गेट नेजल फीडिंग, तो सर मेरे को बोले
तू इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन है, तू अपने कैंसर फाइट के स्टोरी में क्या बोलेगी कि तू डर के नेजल फिटिंग नहीं ली? फिर मैं बोली कि अरे हाँ, मेरे को मोटिवेट करना है, मैं क्या बोलूंगी? फिर मेरे को वहां से सुझाया कि नहीं, अरे सर बोले कि तू आधा पार्ट चल के आ गई है और थोड़ा सा ही है रेस को जीतने के लिए, अगर तू यहाँ से हार मान जाएगी तो यू विल बी अ लूजर। और मेरे को बचपन से पापा एक चीज बोले थे कि कभी जिंदगी में लूजर नहीं होना है तेरे को, लूज मतलब कठिनाइयां आएगी, तू फेल होगी, लेकिन वही यार फेल्यूर को जीत मतलब आगे जाके तेरे को जीतना है और विनर बनना है। तो मैं सोची कि नहीं, मेरे को विनर बनना है, मैं विदाउट एज एफ कंप्लीट करूंगी। और वो जो जोश था सर का, वो जो मोटिवेशन, वो मेरे को इतना बूस्टअप किया कि मैं पूरा मतलब रेडिएशन विदाउट एज एफ कंप्लीट की। मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे, नाजर फेडिंग इज नॉट दैट मच इजी, हाउ ही मीन से इज हाँ एक्सप्लेनिंग, इतना इजी नहीं होता है। हाँ जब बहुत बुरी मतलब तरीका का हालत होता है तभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो डॉक्टर नेजल सेड दैट फिटिंग के लिए ही इज अ वेरी स्ट्रांग गर्ल, ही कैन नाउ गेट दिस। सो अभी जो मतलब आपने अवेयरनेस चला रहे हैं लास्ट आफ्टर योर मीन कैंसर जर्नी के बाद, आपने बहुत सारे अवेयरनेस बोल रहे हैं थ्रू मीडिया थ्रू सोशल्स, सो ऐसे कैसे आपका दिमाग में आया, क्यों दिमाग में आया कि अवेयरनेस चाहिए बोल के, सोसाइटी को और पीपल को अवेयरनेस चाहिए बोल के? हाँ, तो दी लाइक जब मैं टाटा गई थी, टाटा मेमोरियल, एंड जब मेरे को लाइक जब मैं वहां पे गई, वहां पे क्या होता है ना, कैंसर को लेकर लोगों का एक बहुत ब्रॉड मेंटेलिटी रहता है, लाइक पीपल एक्सेप्ट यू द वे यू आर। लेकिन मैं जब उड़ीसा आई, केमो लेना शुरू की, तो मेरा बाल सब चला गया और मैं खुद ही शेव हो गई थी। मैं फोटोज भी डाली हूँ, आप देखे होंगे। यस तो जब मैं यस फोटोज डाला शुरू की, तो मेरे को क्वेश्चन आने लगा कि फोटोज क्यों डाल रही है, तेरे को तेरा शादी नहीं हो पाएगा, और तू क्या लोगों को सिंपैथी ड्रॉ करने के लिए फोटोज डाल रही है। और मतलब बहुत नेगेटिव, लाइक पॉजिटिविटी यस आया लेकिन बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आने लगा। और यहाँ पे क्या होता है ना, कैंसर को लेकर एक टैबू एग्जिस्ट करता है कि कैंसर होने से कोई मर जाएगा। और मैं बहुत सारे केसेस ऐसे देखी, मतलब जब मैं हॉस्पिटल में केमो लेती थी, मैं क्या करती थी, सबके साथ बातचीत करूंगी वहां पे, जो जो केमो ले मैं जिस जाऊंगी, मतलब उस दिन उनका गया, वो दिन भर मेरे को मेरे साथ बकबक करना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि मैं दिन भर बातचीत करती रहूंगी, पूछ रहे होंगे आपने आज क्या खाया, आपने आप इतना क्यों सैड है। लेकिन मैं ये देखी कि मेरे से जो एल्डर लोग हैं जो वहां पे केमो लेते थे, वो इतना खुश नहीं थे कैंसर को लेकर। उनको ऐसा लगता था कि बहुत कुछ बड़ा हो गया है उनके साथ, और उन्होंने लाइक कैंसर हुआ है, लेकिन कैंसर हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जिंदगी जीना बंद कर दे। और मैं ये देखी कि वो लोग जिंदगी जीना बंद कर दे रहे हैं वहां पे। और एक रीजन था कि यहाँ पे क्या होता है ना, कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है उड़ीसा में, और उसका फोरमोस्ट रीजन ये है कि इवन द मोस्ट लिटरेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट अवेयर ऑफ कैंसर का अर्ली सिम्टम्स क्या होता है। ओके, एंड बहुत सारे केसेस में अगर डिटेक्ट भी हो जाता है तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं कराने के लिए। मिलता। कहीं पे हस्बैंड छोड़ देता है, कहीं पे माँ बाप छोड़ देते हैं, कहीं पे घर लोग मतलब बाहर कर देते हैं कि नहीं, हम तेरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो फाइनेंशियल सब ये जो भी रहता चीज, है। हाँ, और देखिए, अगर आज गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, हमारे फ्रीडम फाइटर, हेलो स्वागतिका। हाँ दी, हेलो हेलो, हाँ अभी अभी वाला बोलो। हाँ, हाँ अभी आया, बताओ। तो लाइक अगर हमारे लाइक फ्रीडम फाइटर्स आगे नहीं आए होते, तो आज हमारा देश एक स्वतंत्र नहीं होता। तो किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है एक चेंज लाने के लिए। और मैं देखी यस कि लाइक उड़ीसा में ऐसा नहीं है कि कैंसर सर्वाइवर में अकेली हूँ, बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर हैं। बहुत जन है राजेश्वरी जी, बहुत जन है। हाँ, बट कितने लोग आगे आके ये चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, ये चीज को एक मतलब एक जो होता है ना कि लोग जो देखते हैं, अभी मैं कैंसर को एक्सपीरियंस की हूँ इसीलिए लोग मेरा बात सुनते हैं। अभी कोई भी आके बोल देगा फटाक से, तो लोग उसको नहीं इतने अच्छे से सुनेंगे एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो फेस देकर नहीं गया। ओके, एंड अकेले मैं या अकेले आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को एक चेंज करना है, मेरे को एक चेंज करना है। लोग ये क्यों सोचते हैं कि कैंसर एक बहुत बड़ा चीज है, कैंसर एक क्योरेबल नहीं है, और कैंसर होने से जिंदगी बर्बाद हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि कुछ लोग हैं मतलब मेरे सर्कल में जो लोग मेरे घर में नहीं आते, और उसका ये रीजन है कि मेरे को कैंसर हुआ है, उनको भी कैंसर हो जाएगा। तो वो यस सारा जो टैबो था, वो सारा जो मिथ्स था,
और कैंसर को लेकर डोंट अवेयरनेस जो नहीं था मतलब सोसाइटी में, मेरे को वो करना था। तो और भी एक रीजन था कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट है जिनका फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। मेरे पापा का पैसा था, मेरे ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या मर जाए? नहीं। तो उनको कैसे गाइड करूंगी, उनको कैसे ट्रीटमेंट करवाऊंगी, वो कैसे अच्छे से ट्रीटमेंट लेके अच्छे हो पाएंगे? उसके लिए लाइक मैंने सोचा कि नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे को कैंसर हुआ है, शायद भगवान ये चाह रहे थे कि मैं दूसरों के लिए रे ऑफ होप बनूं, एक लाइट दो उनको कि नहीं मैं क्योर हो गई हूँ, आप लोग भी क्योर हो सकते हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दो। तो उसी के लिए लाइक मैंने कैंसर अवेयरनेस और कैंसर कैंपेन जो भी लाइक मैं कर रही हूँ वो सब मैं धीरे 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 करना शुरू की। गवर्नमेंट के लिए, लाइक इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है उसमें कैंसर पेशेंट के लिए वैसे कुछ फैसिलिटीज है? डू यू नो, लाइक अगर कोई दिख रहे होंगे यहाँ हाँ पे? भी लाइक गवर्नमेंट एम्स देख लीजिए, आचार्य हरिहर देख लीजिए। अभी देखिए गवर्नमेंट ने तो फैसिलिटी बना के रखा है, लेकिन लोग जो होते हैं उनके पास उसको उतना यूज नहीं कर रहे हैं। नॉलेज नहीं होता है नॉलेज कि आचार्य हरिहर में आप फ्री में केमो ले सकते हैं, आप फ्री में रेडिएशन ले सकते हैं, और मेडिसिन भी बहुत सारा मेडिसिन आपको इवन आई डोंट नो दिस, आई गॉट टू नो वहाँ नाउ। पे फ्री में मिल सकता है, और एम्स में भी आप फ्री में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिनके पास क्या वो जो कार्ड BSKY हो गया। कार्ड होता हाँ है गवर्नमेंट का, BPL कार्ड होता है, या फिर कुछ इनकम सर्टिफिकेट या फिर रेशन कार्ड, ये सब चीज होने से वो लोग वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये सब चीज सबको नॉलेज में नहीं होता, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो गाइडेंस देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करने से आपका फ्री में ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो होपलेस हो जाते हैं कि कैंसर हो गया है और हम जीना बंद कर देंगे, हमारा डेथ हो जाएगा, वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग कैंसर हुआ है, हम लोग ट्रीटमेंट लेंगे और हम लोग ठीक हो पाएंगे। गवर्नमेंट का बहुत सारा फैसिलिटीज है जैसे कि एम्स में है, आचार्य हरिहर में है, और अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जो DHH होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहां पे भी उसमें बहुत सारे भी है। केमो फ्री में मतलब अवेलेबल है। वो लोग कटक आके आचार्य हरिहर में एक मतलब प्रोटोकॉल लेके वहां पे जाके फ्री में केमो ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट वेरियस DHH में केमो ले रहे हैं। ठीक है, व्हाई तो आई है आस्क दिस बहुत सारे क्वेश्चन, फैसिलिटीज है। डोंट हाँ माइंड स्वागतिका, व्हाई आई आस्क बिकॉज हाँ आई गो थ्रू योर यूट्यूब वीडियो ऑल्सो, समवन कमेंटेड दे हाँ आर, हाँ अरे इसके मतलब आपके पास पैसा था तो क्योर हाँ हो गया, हाँ डोंट हाँ माइंड। हाँ 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 इसलिए नहीं नहीं मैंने नहीं आपको नहीं ऐसा दीदी वो कि हाँ इसीलिए मैंने पूछा था कि लोग जाने कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया है, आप फ्री में ये सब कर हाँ सकते हो, जो कि नॉलेज हाँ हाँ नहीं है हाँ तो आप कैंसर का नहीं खा के है दूसरे को कमेंट करते हो। कमेंट करना वो, मैं बोली ना दीदी, इवन मतलब मोस्ट लिटरेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी दे डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट कैंसर क्या होता है, सिम्टम कैसा होता है, और गवर्नमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया। गवर्नमेंट में बहुत सारे फैसिलिटीज है, आप लोग फ्री में सर्जरी करवा सकते हैं, फ्री में ट्रीटमेंट मतलब जो जो ट्रीटमेंट रहता है कैंसर का आप लोग फ्री में करवा सकते हैं। आचार्य हरिहर में है, एम्स में है, वेरियस DHH में है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर आपके पास BSKY कार्ड है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, नहीं, वो कुछ लिस्ट लिस्टेड है। है, हाँ मैं आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप बोल पाएंगे दूसरों को, तो वो सब जगह में आप फ्री में करवा सकते हैं ट्रीटमेंट। एंड ऑल्सो मेनी कंग्रेचुलेशन, लास्ट मंथ स्वागतिका ने एक कैंपेन, एक टीम स्टार्ट किया है, दैट इज आउकेन, राइट राइट हाँ अवेकन ये यस क्या दी है एक्चुअली, आपका टीम कैसे काम करा करते हैं ताकि लोग भी जाने, अगर कोई उनके सामने ऐसे कुछ आ जाए तो वो हेल्प कर पाए आपका टीम, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स अच्छा बताओ। हाँ, तो अवेकन इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ माने मतलब मेरे जो कॉलेज के मतलब मेरे जो स्कूल के दोस्त थे और कुछ मतलब मेरे सीनियर्स, कॉलेज हम का, लोगों ने मिलके ओके एक हाँ ग्रुप स्टार्ट किया है जिसका नाम है अवेकन। अभी क्या हुआ ना, मैं सोलली काम कर रही थी, मतलब अकेले काम कर रही थी, लेकिन अकेले तो मैं सारा चीज हैंडल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा स्टडीज है, और जब आगे क्या होता था ना, एक दो पेशेंट आते थे, लेकिन अभी हमारे पास एवरी डे मतलब क्वेरीज आता है कुछ ना कुछ को लेकर। तो हम लोगों ने एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसका नाम है अवेकन एंड एरा ऑफ अ न्यू होप, मतलब एक एरा है जहाँ पे हम लोग एक न्यू होप देते हैं कि नहीं, आप लोग कैंसर को ओवरकम करके आप लोग जीत न्यू डे, पाओगे और हम लोग आपके साथ है। हाँ,
और इसमें क्या होता है, वी आर ए टीम ऑफ पीपल, जो लोग हम लोग जो फिनेंशियली वीक पेशेंट्स फाइटर्स आते हैं, हम लोग उनका ट्रीटमेंट का मतलब खर्चा बहन करते हैं, और फिर कैंसर अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, कैंसर एजुकेशन के लिए गांव मतलब जो रूरल एरियाज होता है जहाँ पे पता नहीं होता है कि कैंसर का सिम्टम्स क्या है क्या है, वेरियस वॉलंटियर्स है हमारे डिफरेंट सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो अभी मुझे नहीं भी खुला ऐड है कर लो लेकिन जैसे नेक्स्ट तुम्हारे वॉलंटियर में, आई एम श्योर श्योर लॉगिंग श्योर 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 एल आईडी टू होती, अभी तो सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है, जैसे कि बालेश्वर में हो गया है, जगदीशपुर में दिस। एक है, फिर भद्रक में हो गया है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग ट्राई कर रहे हैं स्प्रेड करने के लिए, और अगर कोई वॉलंटियर्स मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ऐड होना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट आता है, देखिए सबका फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होता, कुछ कुछ लोग यस ऐसे आते हैं जिनको पता नहीं होता है क्या पता ट्रीटमेंट नहीं है। करवाना है, किसके पास जाना है, क्या करना है, तो वो चीज भी हम गाइडेंस देते हैं, जैसे कि मेनली हमारा फोकस रहता है कैंसर गाइडेंस ऑफ ट्रीटमेंट, ओके, फिर कैंसर कैंपेन ऑन अवेयरनेस ऑन अर्ली सिम्टम्स ऑफ कैंसर, हम लोग वेरियस सेमिनार करते हैं, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक अवेयरनेस किया, हम लोग मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वाला टॉक देते हैं वेरियस कैंसर सर्वाइवर्स को कलेक्ट करके, जैसे कि लोगों को विश्वास हो कि नहीं ये कैंसर को ओवरकम करके आई है और आया है और ये हम हो लोग भी सकता कर है। पाएंगे, हो सकता है, वो चीज रहता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है जो कि देखिए, एक कैंसर जब किसी को कैंसर होता है और वो एक मतलब फैमिली का ब्रेड एंड बटर होता है, तो जब जब किसी को कैंसर होता है तो ऑल ऑफ अ सडन वो अर्निंग नहीं कर पाएगा उसके ट्रीटमेंट के बाद, यस लेकिन यस अगर मान लीजिए उसका छोटा छोटा बच्चा होता है तो उनका वेरी मतलब डिफिकल्ट। इनकम का सोर्स क्या रहेगा, लाइक हम उसको लाइवलीहुड लिविंगहुड कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो चीज हम फोकस करते हैं, जैसे कि हम लोग मतलब एक छोटा सा दुकान उसके घर में करने के लिए हम उसको कुछ पैसा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो घर में बैठकर एक दुकान करेगा और फैमिली के सपोर्ट से उससे कुछ अर्न कर पाएगा, तो उसके अंदर एक होप रहेगा कि नहीं कैंसर हुआ मैं ठीक हूँ और अभी मैं अर्न कर पा रहा हूँ मेरे फैमिली के लिए। हम किसी को सिलाई सिखाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, मतलब पैसा देते हैं कि वो जाके ट्रेनिंग कर पाए कि क्या क्या ट्रेनिंग मतलब करना चाहिए और कैसे वो लोग अपना पैसा खुद अर्न कर पाए आफ्टर कैंसर, वो चीज में करता फोकस करते हैं। और फिर पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैंसर केयर में। पैलेटिव केयर क्या होता है, जब कोई डेडली डिजीज होता है, आप कैंसर को पकड़ लीजिए, एड्स को पकड़ लीजिए, तो हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता उसको बोल्डली एक्सेप्ट करने के लिए। पैलेटिव केयर का क्या रोल प्ले होता है, पैलेटिव केयर काउंसिल करता है कि नहीं आप कर पाएंगे, हम आपके साथ हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सीरियस पेशेंट आते हैं जो मतलब उनका फैमिली उनके साथ सपोर्ट नहीं करता, किसी का हस्बैंड उसको छोड़ दिया है, किसी का वाइफ उसको छोड़ दे, तो उनको काउंसिलिंग करते हैं कि नहीं देखिए ये चीज ऐसा ऐसा है, अगर आप करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। और हमारे साथ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो लोग हमको बहुत मतलब अच्छे से गाइड करते हैं, और मतलब अकेला मेरा काम नहीं है, हम लोग एक टीम है जो लोग मिलके कैसे हम कैंसर को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए और लोग ये ना सोचे कि कैंसर बहुत बड़ा है, लोग ये सोचे कि नहीं कैंसर हुआ है अवेकन हमारे साथ है और हम पॉजिटिव है और हम जीत जाएंगे, मतलब पूरा ट्रीटमेंट से लेकर आफ्टर कैंसर जर्नी तक, जब तक वो मतलब फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक हम उनके साथ खड़े रहते हैं थ्रू आउट द जर्नी। ओके दैट इज वेरी गुड एंड ग्रेट जॉब। एंड ये अब तक आपने कितना पेशेंट, मैंने डेली देखता हूँ तुम अपडेट करते हो, छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक सब आप हेल्प करते हो। रिसेंटली को छोटे बच्चे को खिलौना भी देते खेलने के लिए, टॉयज वगैरह। आई हाँ फील वेरी हैप्पी। तो अब तक मीन अप्रोक्स कितने लोग को हेल्प किया हो थ्रू आउट इन ए 1 month ऑफ जर्नी अवेकन? अभी तो लाइक बिफोर लॉकडाउन तो ऐसे नॉर्मल चल रहा था, हम लोग या अवेयरनेस अभी वगैरह भी में फोकस लॉकडाउन कर रहे है? थे, बिफोर बिफोर मतलब बिफोर मार्च, जब कोविड ओके नाइनटीन ओके नहीं आया था, लेकिन जब कोविड आना शुरू किया तो हम लोगों का एक ग्रुप था, तो हम लोगों ने धीरे धीरे ये देखा कि बहुत सारे जो पेशेंट है रूरल एरियाज में, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लोगों का जान चला यस जा रहा है क्योंकि वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, किसी का केमो नहीं हो पा रहा है, किसी का रेडिएशन नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने एक चेन स्टार्ट किया, जैसे कि हम लोग लाइक वो जो कैंसर मतलब फाइटर्स है वो लोग कैसे इजीली अपना ट्रीटमेंट ले पाए, कैसे इजीली लाइक उस पर फोकस मतलब आके कटक या भुवनेश्वर में अपना ट्रीटमेंट खत्म करके मतलब उनको एक मन में हो पाए कि नहीं हम लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो वहां से वो जर्नी शुरू हुआ, और धीरे 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 अभी तक तो लाइक 22 25 30 के अंदर लाइक बहुत सारे गेट हैं मेरे पास,
इतना लाइक हम लोग का है। डॉक्यूमेंटेशन है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, लोग पूछते हैं, एवरीडे बेसिस पे कॉल आता है कि मैडम हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग कैसे जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक जो लोग कटक भुवनेश्वर से होते हैं वो इजीली आ पाते हैं, लेकिन जो लोग रूरल एरिया हाँ से होते हैं जैसे कि बालेश्वर से, बहुत सारे पेशेंट्स फाइटर्स हमारे हैं जो लोग आ नहीं पाते क्योंकि अभी तो बस बस नहीं चल रहा था। तो हम ये लोग क्या करते फिर आइडेंटिफाई कैसे डिस्ट्रिक्ट करते हो, इस डिस्ट्रिक्ट में सारे पेशेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो? दीदी लाइक मैं जब फेसबुक सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करती हूँ तो डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट, इवन ट्विटर में भी मेरे को ट्वीट आता है या फिर लोग मैसेज करते हैं कि यहाँ पे ओके ऐसा है। और हमारे जो मैं बोली ना वॉलंटियर्स जो है वो लोग लाते हैं कंसर्न में, और कई कई ओके लोग ओके उन वॉलंटियर से नंबर लेके कॉन्टेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके, वेरियस वेरियस डोनर्स है जो लोग हेल्प करते हैं हमको, क्योंकि अकेले तो भाई कुछ भी नहीं हो, सबका हेल्प मिलता है। तो ऐसे क्या होता है ना, एक चेन सिस्टम रहता है, कोई गाड़ी अरेंज कर देता है, कोई पैसा अरेंज कर देता है, कोई एम्बुलेंस अरेंज कर देता है, कोई डॉक्टर्स के साथ बात कर लेता है। तो एक मतलब चेन सिस्टम है, इसे तो लाइक ए ऐसे करके यूनिटी। हाँ, यूनिटी। और जब देखिए बालेश्वर से जब एक फर्स्ट एक जो पेशेंट वो आया, तो वो जाके दूसरे पेशेंट जो उनके घर के आसपास है वो बोलने लगा कि ऐसा ऐसा है, आप लोग उनको कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो जैसे जायो का एक थीम था ना, आप 3 लोगों की मदद करो और धीरे उन धीरे तीनों ग्रो को हो रहा है, लोग हाँ समझ हाँ रहे हाँ हैं तो वैसे ही धीरे जी। धीरे हम लोग मतलब स्प्रेड कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है ना, फेसबुक पे आता है, मैसेंजर में आता है, लोग कॉल करते हैं मेरे को वेरियस मतलब लोगों से नंबर लेके कि मैडम ऐसा ऐसा इश्यूज हुआ है और उनको ऐसा लाइक एक हेल्प चाहिए। तो वैसे करके लाइक एक चेन सिस्टम है, तो वो लोग आते हैं, हम लोग यहाँ ओके पे उनका रहने खाने का मतलब क्या करते हैं, रहने खाने का व्यवस्था करते हैं, फिर कैसे वो अच्छे से ट्रीटमेंट ले पाए। और जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि वो क्या होता है ना, वो बहुत अकेले हो जाते हैं क्योंकि बच्चों का ये खेलने कूदने का टाइम है और उनको बच्चों के समझ में पास नहीं आया जब कैंसर क्या है। हाँ कि उनको क्या हुआ है, लेकिन वो ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेते हैं और बहुत अकेले हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको ड्रॉइंग किट्स प्रोवाइड करते हैं, खिलौने प्रोवाइड टॉयज करते भी हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट डालना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास मतलब घर में खिलौना है, जो मतलब किसी के छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं और वो लोग नहीं खेलते हैं, तो इफ यू डोनेट दैट टू अस, तो हम लोग वो फाइटर्स लोगों कैसे को दे डोनेट करना है पाएंगे। स्वागतिका, ये भी बता दो कैसे करना है। हाँ, दी दे कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई मैसेंजर और दे कैन कॉन्टेक्ट थ्रू अवेकन, अवेकन में हमारा एक नंबर है, वो लोग वहां से कांटेक्ट करने से लाइक अगर कटक में होंगे तो हमारे वॉलंटियर्स उनसे कलेक्ट कर लेंगे, अगर कहीं बाहर जगह से है तो वी प्रोवाइड द पोस्टल लाइक पोस्टल डिटेल्स, दे कैन ओके आई गॉट इट। ओके कुरियर अस, सो दैट वो चीज लाइक देखिए अगर आपकी वजह से किसी को एक स्माइल आता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट दैट लाइक इज द परमानेंट मोस्ट। हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। और जब मैंने वो विश्व जो था हमारा स्वप्न जीत, जब हमने उसको दिया, वो इतना खुश हुआ लाइक, क्योंकि बच्चे अकेले हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि अरे मेरे को क्या हो गया, मेरा बचपन ही खत्म हो गया। लेकिन हम उनको मोटिवेट करते हैं जैसे कि ड्राइंग किट प्रोवाइड करते हैं, तो वो ड्राइंग करके देते हैं और हम लोग उनको चेयरअप करते हैं। तो अगर आपके पास है तो प्लीज मतलब डोनेट या इट आई फॉर अ स्वेयर, कॉज आई वे पीपल। आई स्वेयर स्वागति का, मैं जब चेन्नई बैक जाऊंगी ना ये कोविड हाँ होने के हाँ बाद, आई विल पार्सल यू कोविड, फ्रॉम माई सेल्फ, डोंट वरी। ओके ओके श्योर श्योर पक्का, थैंक गाइस, यू सो मच। या कैन यू इमेजिन नहीं 22 ईयर ओल्ड में ऐसे सोचना, ऐसे काम करना जो कि हाँ हम लोग ऐसे बड़े बड़े के बात में नहीं होता है। हैट्स अप टू यू स्वागति का, यू आर रियली थैंक गुड यू दी, फाइटर एंड ए स्ट्रांग बोल्ड गर्ल। और लास्ट आपको कुछ और बताना है तो बताइए, नहीं तो हम इसको फिनिश करते हैं। लास्ट तो मैं एक चीज बोलूंगी कि देखिए कैंसर को लेकर एक बहुत बड़ा टैबू एग्जिस्ट करता है और यस बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं ओडिशा में जो लोग कैंसर को ओवरकम करके आए हैं, लेकिन वो लोग बाहर मतलब फ्रंट फेस में नहीं आते, वो लोग नहीं बोलते कि उनको कैंसर हुआ है। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर हर कैंसर में आके बोलना शुरू करेगा, स्टोरी शेयर करने लगेगा, तो सोचिए कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, कितने यस लोग वहां से मोटिवेट होंगे कि नहीं हम भी अपना जर्नी में लाइक आगे बढ़ पाएंगे। और दीदी एक चीज मैं बोलूंगी कि देखिए जो लोग इसको मतलब ओवरकम करके आए हैं वो लोग ही इमोशनली कनेक्ट कर सकेंगे, एक आदमी के लड़ रहा है तो अगर ईच पीपल, क्योंकि देखिए अलोन मी और अलोन यू कैन नॉट और यस अवेयर पीपल मिलके हाथ में हाथ
करेंगे ये कैंपेन की लाइक लेट्स मेक अवर नेशन अ कैंसर फ्री नेशन, तभी, क्योंकि महात्मा गांधी अकेले फ्रीडम नहीं करते थे, सब लोग यूनिटी मिलके सारे लिए हम फ्रीडम आए, तो इट्स अ वर्क ऑफ अ टीम, अलोन मेरा टीम में अलोन आपकी अलोन, और कोई कैंसर मतलब अवेयरनेस नहीं कर पाएगा, तो कहीं भी किसी भी किसी को कुछ होता है तो ट्राई टू मोटिवेट देम कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, देखो मेरे को कैंसर हुआ था, मैं ठीक हुई हूँ और तुम भी ठीक हो जाओगे। और एक चीज है कि कैंसर को लेकर जो टैबू रहता है कि लोग सोचते हैं कि अरे कैंसर हो गया क्योर मर नहीं जाएंगे, ये होगा। मत बोलिए, हाँ ये मत बोलिए, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो उसी को डिमोटिवेट नहीं कीजिए, क्योंकि डिमोटिवेट मत क्या होता कीजिए। है ना, हाँ लोग अपने आप ही बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बोल देते हैं कि अरे तू तेरे तो डेथ हो जाएगा, तू मर जाएगी, तेरे को कैंसर हुआ है, ये चीज मत भूलिए, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग थ्रू देम, ट्राई टू मोटिवेट देम, अगर मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो डिमोटिवेट मत कीजिए, स्टे मत करो साइलेंट, साइलेंट, रुको। राइट, हाँ एंड ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी, एक्सेप्ट वॉट इज कमिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि तुम ये चीज लड़ पाओगे और लड़ के बाहर आ पाओगे, तभी कैंसर की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएगा यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। ओके, इट्स ए गुड टाइम सिंस लास्ट हाफ एन ईयर विथ यू सगतिका। हाँ या आई जस्ट वांट टू से एनीथिंग, मैंने अभी रिसेंटली एक ग्रुप स्टार्ट किया हूँ, यूनिक ग्रुप, अभी 100 मेंबर्स से। लेट्स इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन सराउंडिंग। इफ कोई ऐसे मतलब पर्सन है यूनिक इन लाइक यू, लाइक एनी एक्टिविटीज, यूनिक थिंग्स है, दे वांट टू शेयर देयर जर्नी और दे वांट टू लाइक शेयर देयर एक्सपीरियंस, वो कैंसर हो कुछ भी हो, किसी यूनिक थिंग है तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं जरूर आई एम ग्लैड टू लाइक स्पीक विद देम। ओके, थैंक प्लीज कॉन्टेक्ट हर, शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर दिस सेशन, आई होप दिस विल मोटिवेट मेनी, थैंक यू। यू यू आर द सो फर्स्ट मच, गेस्ट स्पीकर इन दिस। थैंक यू, या आई फील बाय। ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।